हेलो गाइस, तो हम फाइनली पूना स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब यहां से आगे की जर्नी आपको स्टेशन के बाहर निकलकर बताते हैं। हेलो गाइस, अब हम कातरज के बस डिपो से खेड़ शिवापुर के लिए बस पकड़ चुके हैं, बस में बैठ चुके हैं। अब अभी हमारी बस निकलने वाली है, पैसेंजर का इंतज़ार कर रहे हैं ड्राइवर कंडक्टर दोनों। पूना उतरने के बाद हमें स्वारगेट के लिए बस करनी पड़ती है, उसके बाद फिर वहाँ से कातरज के लिए बस पकड़नी पड़ती है, उसके बाद फिर फाइनली अपने को यहाँ से कातरज से खेड़ शिवापुर के लिए जो सरकार हजरत कमर अली दुर्वेश की दरगाह है वहाँ हम जा रहे हैं। अब हमारी बस गाइड खेड़ शिवापुर के लिए रवाना हो चुकी है। बने रहिए आप मेरे साथ, सफ़र का मज़ा लीजिए। जर्नी बड़ी प्यारी है, आपको अच्छे अच्छे व्यूज दिखाता रहूँगा। बस में बहुत आवाज़ है, क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। पूना सिटी बहुत ही खूबसूरत सिटी है, आप लोगों को देखने में भी अच्छा लग रहा हो। ये कातरज जंक्शन पे हमारी बस रुकी हुई है, देखते हैं अभी आगे चलते हैं कैसे से बस चलेगी, वैसे वैसे हम आपको आगे का बताते जाएंगे। घाट पे से गुजर रही है, देखिए कैसा धुआंधार हो रहा है, आप इसको देखिए। देखिए और एंजॉय करिए, हमारी बस जगह पे टर्न हो रही है, बहुत खतरनाक रोड है, कातरज का तो घाट है। आपको हम बताएंगे घाट पर गुजर रही हमारी गाड़ी। झाड़ियाँ नज़र आएंगी आपको, मौसम बड़ा प्यारा है, बहुत सुहाना है मौसम। बस देखिए हमारी किस तरह टर्न हो रही है घाट पर, बहुत खतरनाक मोड़ से गुजर रही है बस। ये देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, अच्छी गाड़ी आ जाती है सामने से, बहुत संतुलन रखना पड़ता है ड्राइवर को। झाड़ भरे हुए, बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ों पर झाड़ उगे हुए पूरे,
बहुत ऊंचाई तक। अभी व्यू देखिए गाइस, नजारा लीजिए, मेरे साथ बने रहिए। टनल से गुजर रहे हैं हम, हेलो गाइस। तो अभी हम खेड़ शिवापुर की दरगाह के बाहर हाईवे का जो मेन गेट है उस गेट पर आ चुके हैं, बस से उतरे हैं अभी। तो आइए आपको अंदर ले चलते हैं, आस्थाने पे ले चलते हैं, ज़ियारत कराएंगे, खुद भी करेंगे इंशाल्लाह। गाइस ये गेट है दरगाह पर जाने के लिए। अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ, जो दरगाह को रास्ता जाता है। ये देखिए खेड़ शिवापुर का है, ये लोगो दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे हाई लॉ खेड़ शिवापुर लोगों, जो गांव में इंटर करने के लिए होता है या शहर में एक सर्कल होता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। चलते हैं दरगाह की तरफ। अब हम अंदर इंटर कर चुके हैं तो गाइस चलिए आपको खेड़ शिवापुर की दरगाह हजरत कमर अली दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी आज भी एक करामत है, 11 लोगों की शहादत की उंगली से एक बहुत वजनी पत्थर उठता है, आज भी मौजूदा है ये चीज़। आप देख सकते हैं, आकर ट्राई कर सकते हैं। तो मिलते हैं दरगाह के पास। गाइस ये देखिए एक गांव की स्कूल है, बड़ी खूबसूरत है, प्यारी है, जिस तरह गांव में स्कूल होती है, छोटी छोटी क्लास गांव की स्कूल है। तो गाइस देखिए इतनी प्यारी नदी है, छोटी सी है बट बहुत प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत लुक है नदी का। और व्यू देखिए आप, कितना प्यारा व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। ये पानी की आवाज़ गाइस देखिए कितना ही खूबसूरत है मंजर है। बस सरकार के करीब हम पहुंचने वाले हैं। दो बच्चे छोटे छोटे स्कूल के आ रहे हैं। ये सामने का व्यू है, ये आने का रास्ता है दरगाह की तरफ। दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे स्कूल के। गाइस आसमान देखिए नीला नीला सा है, बड़ा ही प्यारा मंजर है। गाइस नदी का ये दूसरा हिस्सा है, अभी हम उस तरफ थे,
ये देखिए पानी का बहाव देखिए, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत लुक। उस तरफ खेतीबाड़ी भी है। दरगाह से कुछ ही पहले हम खड़े हैं और आपको ये व्यू दिखा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। गाइस ये देखिए हम सरकार के आस्थाने के बहुत ही करीब आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ से फूल और चादरों की दुकान शुरू हो चुकी है, बहुत ही करीब हैं हम। ये भी कोई एक स्कूल है, गांव की स्कूल है, कुछ बच्चे गांव के स्कूल के खड़े हैं। बहुत ही प्यारी स्कूल, खूबसूरत स्कूल है, बहुत ही अच्छी। गाइस देखिए सरकार का रोज़ा दूर से ही बड़ा खूबसूरत और प्यारा सा दिख रहा है।